झांसी में भाजपा प्रत्याशी के लिए रैली को संबोधित करने पहुंचे यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने कहा कि मुझे यहां आते ही राम दरबार के दर्शन हो गए, लेकिन कोई रावण की वेशभूषा में नजर नहीं आया। लगता है कि आपने तय कर लिया है कि रावण, कुंभकर्ण, मेघनाथ की वेशभूषा में केवल कांग्रेस के लोगों को रहना चाहिए। योगी ने आगे कहा कि अयोध्या में राम मंदिर के निर्माण में कांग्रेस ने बाधा खड़ी की है। जब पूरी दुनिया प्रफुल्लित है, कांग्रेस का एक बदनसीब नेता आज भी इसको अच्छा नहीं मानते। घड़ियाली आंसू बहा रहे हैं, जिनको अपने धर्म संस्कृति को लेकर गौरव की अनुभूति ना होती, दुर्भाग्य से उन लोगों के हाथों में सत्ता चली गई। प्रवीण पायल जी, राजपाल यादव जी, श्रीमती नेहा धवन जी, श्री विनय जैन जी, महंत सागरनाथ जी, राजेश ठकराल जी, वेद नारंग जी और भारी संख्या में झांसी विधानसभा क्षेत्र में जुड़े हुए सभी मेरे उपस्थित बहनों और भाइयों, अपनी ऐतिहासिक धरोहर के लिए विख्यात असीगढ़ किला और लाल सड़क जैसी कई ऐतिहासिक साइट्स जिसके पास धरोहर के रूप में मौजूद हो, ऐसी झांसी की इस पावन धरा को कोटि कोटि नमन करते हुए मैं आप सबका हृदय से अभिनंदन करता हूं। बहनों और भाइयों, हमारा हरियाणा वीर भूमि है, परिश्रमी भी है, देश के पेट को भरने के लिए अन्नदाता किसानों का परिश्रम भी अभिनंदनीय है और देश की सीमाओं की रक्षा करने वाला हरियाणा का जवान भी पाकिस्तान के छक्के छुड़ाने का काम करता है। ऐसे धरती पर आने पर गौरव की अनुभूति तो होगी। बहन और भाइयों, मैं भी मर्यादा पुरुषोत्तम प्रभु श्री राम की पावन धरा अयोध्या धाम की धरती उत्तर प्रदेश से आपके बीच में आया हूं। अभी जैसे मैं आया यहां पे राम दरबार के दर्शन मुझे सामने सामने हो गए। छोटे छोटे बच्चे कोई राम के वेशभूषा में, कोई लक्ष्मण की, कोई माता सीता की, कोई हनुमान जी के, ये सब के वेशभूषा में, कोई गुरु वशिष्ठ के वेशभूषा में, लेकिन कोई रावण के वेशभूषा में नहीं था। लगता है आपने तय कर लिया कि रावण, मेघनाथ और कुंभकर्ण की वेशभूषा में केवल कांग्रेस के लोगों को रहना चाहिए। बहनों और भाइयों, अयोध्या में 500 वर्षों का इंतजार समाप्त हुआ। अब अयोध्या में 500 वर्षों के बाद रामलला फिर से विराजमान हो गए हैं। जिस कांग्रेस ने अयोध्या में राम मंदिर के मार्ग में बाधाएं खड़ी की, जब पूरी दुनिया प्रफुल्लित है, उत्साहित है, तब कांग्रेस के बदनसीब नेता आज घड़ियाली आंसू बहा रहे हैं, कह रहे हैं कि अयोध्या में 22 जनवरी के फंक्शन में इतना भव्य फंक्शन क्यों हो गया। बताओ, हमारे प्रभु 500 वर्षों के बाद अपनी जन्मभूमि पर विराजमान हो रहे हैं, पूरा देश प्रफुल्लित है, पूरी दुनिया प्रफुल्लित है, लेकिन कांग्रेस के बदनसीब नेता आज भी इसको अच्छा नहीं मानते, वे आज भी घड़ियाली आंसू बहा रहे हैं। बहनों और भाइयों, जिनको अपनी धर्म और संस्कृति पर गौरव की अनुभूति न होती हो, जो भारत की परंपरा पर गौरव की अनुभूति न कर सकते हो, दुर्भाग्य से 1947 में उन हाथों में देश की बागडोर आने के बाद
जो ड्रेन शुरू हुआ था वहां पहले अटल बिहारी वाजपेयी जी ने और फिर प्रधानमंत्री मोदी जी ने उसको संभाल करके आज एक नए भारत का दर्शन हमें करा दिया है। याद करिए 2014 में, 14 में मोदी जी प्रधानमंत्री बने, 17 में उत्तर प्रदेश में भाजपा की सरकार बनी, डबल इंजन की भाजपा की सरकार, मात्र जो काम कांग्रेस 60-65 वर्षों में नहीं कर पाई भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने मात्र 2 वर्ष में वह 500 वर्षों की समस्या का समाधान करके अयोध्या में रामलला का विराजमान करवा दिया। जो राम की संस्कृति को पोष रहे हैं, बहनों और भाइयों, राम की संस्कृति को कोसने वाला वही व्यक्ति होगा जो रोम की संस्कृति पर विश्वास करता होगा। ये रोम की संस्कृति को मानने वाले लोग आज राम की संस्कृति को उसको कोसने का काम कर रहे हैं, अपमानित करने का काम कर रहे हैं, लगातार यही कार्य करते रहे ये लोग। और इसीलिए मैं आपसे कहने के लिए आया हूं, बहनों और भाइयों, जो राम का नहीं एक तो घोषणा करिए, जो राम का नहीं वो हमारे किसी काम का नहीं, जो राम का नहीं वो हमारे किसी काम का नहीं। राम तो भारत राष्ट्र के प्रतीक हैं, भारत के स्वाधीनता संग्राम सेनानियों, भारत ने संसद के जब देश के संविधान को बनाने का काम किया तो संविधान में जो मूल प्रति है उस मूल प्रति में पुष्पक विमान से भगवान राम का, माता जानकी, लक्ष्मण जी, हनुमान जी के साथ अयोध्या आगमन का चित्र आज भी बना हुआ है। और इसीलिए तो राष्ट्रपिता महात्मा गांधी ने कहा था भारत के अंदर शासन की, सुशासन की व्यवस्था का आधार कोई बन सकता है तो मात्र राम राज्य हो सकता है, राम राज्य। और उस राम राज्य को जमीनी हकीकत पर लाने का काम कोई कर रहा है तो प्रधानमंत्री मोदी जी कर रहे हैं। मुझे बताइए, देश पे जब संकट आता है, कभी कहीं कोई आपदा आ गई, आपने कहीं किसी आपदा में कांग्रेस के नेताओं को सेवा के कार्यों के साथ जुड़ते हुए देखा है क्या? आपदा मानते किसी एक क्षेत्र विशेष में आती होगी, लेकिन कोरोना महामारी तो पूरी दुनिया के अंदर आई थी, पूरा देश इसकी चपेट में आया था। श्री राहुल गांधी कहीं गए थे क्या? बहनों और भाइयों, जब कोरोना महामारी के दौरान सेवा की बात आई थी तो केवल भाजपा का कार्यकर्ता प्रधानमंत्री मोदी जी और भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा जी के आह्वान पर सेवा ही संगठन है संकल्प के साथ अपनी जान की परवाह के बगैर जनता जनार्दन की सेवा कर रहे थे। बहनों और भाइयों, देश के संकट के समय राहुल जी को 140 करोड़ के भारतवासी याद नहीं आते, उस समय उन्हें याद आती है इटली में नानी याद आती है, जो आपके संकट के समय आपके साथ नहीं खड़े हो सकते तो क्या उनको चुन करके भेजना चाहिए क्या? एक गलती कभी मत करना, ये देश लगातार गलती पे गलती क्या करता गया कि इन लोगों ने देश की सुरक्षा के साथ खिलवाड़ किया, इन लोगों ने देश में आतंकवाद की जननी कांग्रेस, उग्रवाद की जननी कांग्रेस, नक्सलवाद की जननी कांग्रेस, भ्रष्टाचार की जननी कांग्रेस और
माफिया और कांग्रेस तो ऐसे हैं जैसे एक दूसरे के पूरक बन गए हैं। चोली दामन का इनका साथ हो गया है, वह माइनिंग माफिया हो, वह वन माफिया हो, वह पशु माफिया हो या संगठित अपराध में लिप्त माफिया, इन सब के साथ इनका गठजोड़ है। ये जनता जनार्दन का शोषण करते हैं। भारतीय जनता पार्टी सुरक्षा का नाम है, भारतीय जनता पार्टी समाधान का नाम है, भारतीय जनता पार्टी बिना भेदभाव के विकास की योजनाओं को पहुंचाने का नाम है, भारतीय जनता पार्टी बिना भेदभाव के विकास की योजनाओं को हर गरीब तक, हर किसान तक, हर नौजवान तक, हर महिला तक पहुंचाने का नाम है। बहनों और भाइयों, मुझे बताओ, ये कांग्रेस के समय में किसान आत्महत्या करता था कि नहीं करता था? आज देश के 12 करोड़ किसान परिवारों को प्रधानमंत्री सम्मान निधि का लाभ प्राप्त हो गया है। कांग्रेस ने क्यों नहीं दिया? लेकिन मोदी जी ने दिया है। 80 करोड़ गरीब फ्री में राशन की सुविधा का लाभ प्राप्त कर रहे हैं। 60 करोड़ गरीबों को 5,00,000 रुपए की आयुष्मान भारत की सुविधा प्राप्त हो रही है। 12 करोड़ गरीबों के घर में शौचालय बन गए हैं। 10 करोड़ गरीबों के घर में उज्ज्वला योजना का रसोई गैस का सिलेंडर पहुंच गया है। और बहनों और भाइयों, 4 करोड़ गरीबों के घर भी बन गए हैं। 4 करोड़ गरीबों के घर, जो काम कांग्रेस 7 वर्ष में नहीं कर पाई, मोदी जी के नेतृत्व में, नायब सिंह सैनी जी के नेतृत्व में डबल इंजन की भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने वह कार्य मात्र 10 वर्ष में हरियाणा के अंदर करके दिखा दिया है। आज यहाँ बड़ी अच्छी खासी चौड़ी 2 लेन 4 लेन 6 लेन की सड़कें हैं, IIT है, IIM है, एम्स है, 1 डिस्ट्रिक्ट 1 मेडिकल कॉलेज है, हर घर नल की योजना है, विकास की नई नई योजनाएं आ रही है, उद्योग आ रहे हैं, निवेश आ रहे हैं, नौजवानों के लिए नौकरी है, किसानों के लिए तमाम प्रकार की सौगात है। बहनों और भाइयों, ये काम आखिर कांग्रेस क्यों नहीं कर रही थी? कांग्रेस को अराजकता और अव्यवस्था फैलाने से ही फुर्सत नहीं थी। इनके समय में न बेटी सुरक्षित थी, न व्यापारी का सम्मान था, न दलित सुरक्षित था और न ही किसी व्यक्ति की दौलत ही सुरक्षित थी। इसलिए बहनों और भाइयों, आज जब आपको चुनाव का निर्णय लेना है हरियाणा के अंदर, मैं आप सबका यही आह्वान करने के लिए आया हूं। याद करिए, 2017 के पहले उत्तर प्रदेश के अंदर भी यही होता था, गुंडागर्दी चरम पे थी, अराजकता थी, हर तीसरे दिन तक का होता था, बेटी सुरक्षित नहीं थी, बड़े बड़े माफिया सत्ता के पैनल व्यवस्था संचालित करते थे। पिछले 7.5 वर्ष से बीजेपी की डबल इंजन की सरकार यूपी में है और यूपी में एक भी दंगा नहीं हुआ, कोई दंगा नहीं, नो कर्फ्यू नो दंगा, यूपी में है सब चंगा। क्योंकि माफिया, जो बड़े बड़े माफिया थे, दुर्दांत माफिया थे, वे या तो जेल चले गए या फिर जहन्नुम की यात्रा में राम नाम सत्य है। और इसीलिए आज मैं आपसे कहने के लिए आया हूं, यह कार्य केवल बीजेपी करेगी, सुरक्षा प्रदान करने का, बिना भेदभाव की सुरक्षा, बिना भेदभाव के सम्मान, बिना भेदभाव के गरीब कल्याणकारी योजनाएं और बिना भेदभाव के
अयोध्या में राम मंदिर का निर्माण हो गया है, हर धर्म स्थल को उसके आध्यात्मिक वैभव को पुनर्स्थापित करने का काम भारतीय जनता पार्टी कर रही है। विरासत और विकास की योजना को एक साथ कोई ले जा सकता है तो केवल भाजपा ले जा सकती है। कांग्रेस के लोग तो विरासत की जब बात करते हैं तो इन्हें भारत नहीं, राम नहीं, इन्हें रोम और इटली याद आता है। ये जाए ना वहीं पे, ये वहीं की चर्चा करें। वोट यहां से क्यों मांगने के लिए आए हैं? हरियाणा और हांसी से या हिसार से क्यों वोट मांगने के लिए आए हैं? वहीं से वोट मांगे। और इसीलिए मैं आप सबसे अपील करूंगा, हिसार वासियों से अपील करूंगा, ये डबल इंजन सरकार की ताकत को समझ करके हरियाणा को धाकड़ हरियाणा बनाने के लिए फिर से हमें मिलकर के काम करना होगा। और इसके लिए भारतीय जनता पार्टी ने श्री विनोद प्याला जी को आपका प्रत्याशी बना करके आपके बीच में डाला है। विनोद जी को चुनाव जिता करके भेजेंगे, भेजेंगे। 5 अक्टूबर को जब चुनाव होगा तब शारदीय नवरात्रि की आदि शक्ति माँ भगवती दुर्गा के पूजन का तीसरी तिथि होगी। उस तिथि पर जगत जननी माँ भगवती को साक्षी मान करके आह्वान करना होगा, एक बार फिर से जगत जननी माँ भगवती लक्ष्मी ये कमल के फूल पर आसन जमा करके फिर से हरियाणा को और वैभवशाली बनाने के समय अग्रसर हो सके। इसके लिए कमल का बटन दबाना होगा मां लक्ष्मी का आह्वान करने के लिए। सहमत है ना, सहमत है ना? तो चुनाव जिता करके भेजेंगे। आपका उत्साह के लिए मैं आपका अभिनंदन करता हूं। जो उत्साह आप दिखा रहे हैं बस इस उत्साह को 5 अक्टूबर तक बने रहने दीजिए। कांग्रेस की जमानत जब्त करिए। जिन्होंने हरियाणा को लूटा है उनको सबक सिखाइए और हरियाणा को फिर से विकास की डबल इंजन सरकार की डबल स्पीड के साथ आगे बढ़ाने की तैयारी के साथ आगे बढ़िए। यही अपील आप सबसे करते हुए आप सब मेरे साथ बोलेंगे, भारत माता की, भारत माता की।